किसे मनाया? आपको सर, वो मानने वाली पार्टी है, उधर मनाना है। भाई शौकत माने, भाई शौकत ने बड़ा मजे का आइडिया दिया हमें। मैं तो ड्राइवर, भाई शौकत ने बहुत मजे का आइडिया दिया है। भाई शौकत माने में परसों के ठीक है, वो माने तो कोई मसला नहीं, मैं तो ड्राइवर। देख लो खुश हुआ है ना, वो पंजाबी में कहते हैं ना हंसे तो फंसे, वो साहब देखो कितनी मजे की स्माइल दे रहा है। देखो अंग्रेजी में बाबा जी कहते हैं कि नीता नु मुरादा, कोशिश करने वालों को कामयाबी मिलती है। वैसे ऐसा फील हो रहा है जैसे आप ईद मिलने आए हैं। बस ये समझ ले आपने तो तैयारी नहीं की। अगर आपका दिल मानता है तो दे दें, नहीं है तो ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। जो जवाब है भैया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैर फिर होंगे। आज के ब्लॉग में खुशामदीद कहते हैं, मैं हूं राना सली। दुआ करते हैं अल्लाह ताला जो तमाम परेशान लोगों के परेशानी दूर करें। अगर आप भी परेशान है तो अपनी परेशानी को कुछ टाइम के लिए साइड पर करते हैं आज का ब्लॉग इंजॉय। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है वो गुजरांवाला में पहुँच चुके हैं पिछले 2-3 दिन से, और यकीन माने बहुत मिस कर रहा हूँ मैं फार्म हाउस को। लेकिन यह है कि कोई बात नहीं, इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि दोबारा से चलते हैं वहाँ पे। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब तक जो वहाँ पे जाते हैं, तब तक हम हैं गुजरांवाला के अंदर। आसिम साहब भी सोए उठ गए हैं। सर क्लोज करें अपने सारे बिस्तर बुस्तर। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो वो तमाम बीमारों को शिफा दें, और जो जो लोग किसी भी तरह की मुसीबत में मुश्किल में है अल्लाह ताला उनको जाओ फिर होकर सब्र दें, और जल्दी से इस बीमारी में से इस मुश्किल में से अल्लाह ताला उनको बाहर निकालें, और जितना भी टाइम हो इस मुश्किल वक्त में इस बीमारी में रहे अल्लाह ताला इसका उनको ज़्यादा सारा अजर दें। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे घर में चल रहा है आज वुडवर्क, और यहाँ पर लगी हुई अंगूरों की बेल, और इस सेट पर सब्जियाँ जो कि आसिम साहब होस्ट कर रहे होते हैं जिनको। गुड शॉट, गुड बॉल, शाबाश दे रहा हूँ आप। नहीं ऐसी शाबाश नहीं चाहिए, थोड़ी सी ले लो, बड़ी ज़्यादा आई हुई है मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह जी नाश्ते में आ गया हमारे पास रोटी चोपे भी, साथ में जो चिकन का सैलन माशाल्लाह, साथ में आ गया जी दही, और खाने वाले हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह। तो जल्दी से कर लेते हैं नाश्ता, क्योंकि खाने को जो है वेट नहीं करवाना चाहिए ज्यादा टाइम, तो जल्दी जल्दी हम नाश्ता कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी नाश्ता वगैरह करके हम लोग आ चुके हैं वापस, और वीडियो अपलोड पे लगाई हुई है, और इंतजार है उसके मुकम्मल अपलोड होने का। मैं उधर ही लेटा लेटा सो गया था, मुझे पता नहीं लगा, और अभी जो है वो वक्त हमारे पास हो चुका है करीब 1.5 का, और कुछ भी नहीं किया 2-3 दिनों से आके, और यकीन माने बहुत ज्यादा लेजी हो गया हूँ मैं। मैंने फिलहाल पास मंगवा लिया पानी, और बाहर जो है वो धूप भी खासी तेज है। फार्म हाउस पे सारी चीज़ें टफ होने के बावजूद जब मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव था, यहाँ पे हर चीज़ अवेल होने के बावजूद जब मैं बहुत ज़्यादा लेजी हूँ। वक्त हो गया हमारे पास 3:10 का, आज 4th डे है हमें गुजरांवाला के अंदर, और यकीन माने मैंने काफ़ी सारे क्लिप्स बनाए, काफ़ी बार वीडियोज़ बनाई, और बस अपलोड ही मतलब मज़ा नहीं आया बनाने का, पता नहीं क्या बात है, शायद माइंड जो है वो उधर के लेके है। तो खैर काफ़ी हौसला करके मैं वीडियो जो है दोबारा से शुरू किया अभी, होप्स हो कि अब जो है आपको लाजमी वीडियो आ गई होगी। अगर आ गई तो दैट मीन्स कि मैंने शेयर कर लिया, और अगर नहीं की तो फिर ये भी डिलीट कर देंगे बाद में, लेकिन चले कोशिश करते हैं। मेरा ज़्यादा बन रहा था कि हम लोग जो जाते हैं कटिंग करवाने के लिए, लेकिन मेरे हाथ में दर्द हो रही है इस जगह पर, जब प्रेशर पड़ता है तो जो ये वेन है इसके अंदर जो दर्द होती है, पता नहीं वजह इसकी क्या है। इस वजह से मैं शॉप पे तो नहीं जा सकती, क्योंकि शॉप पे जाने के लिए मुझे चल के जाना पड़ेगा, तो मैंने लड़के को कॉल की है, वैसे उसने रिसीव तो नहीं किया, लेकिन ये कि मैंने उसके घर मैसेज कन्वे कर दिया है कि जैसे ही वो घर में है तो उसे भेजिएगा मेरे पास, कि वो जब जरा मेरे से मिले, तो जब वो मेरे से मिलने आएगा तो फिर उसको बोलेंगे कि भाई सामान लेके आ जाओ, कटिंग वटिंग करें, क्योंकि काफ़ी दिनों से जब मैं प्लान कर रहा था बट जा ही नहीं सका, है ना अब्दुल्ला? ठीक है ना, मैंने तो मैं किधर गया हूँ, मैं छुप गया आपके पीछे, तो मैं नजर ही नहीं आ रहा था कैमरे में, वो नजर आ गया। तो अब्दुल्ला ने खाना खाया? हाँ जी। क्या खाया था? बर्फ। बर्फ खा गया? हाँ जी। बर्फ का खाना होता है वो? है नहीं वो है। तो बहुत। क्या क्या खाया? एप्पल। एप्पल बीश। क्या बीश? वे। और बर्फ बेसिकली जब वो आड़ू का जूस पी के आया तो वो बताने की कोशिश कर रहा है। पहले पिया था, पहले खाया। क्या पिया था? पहले वो खाया। क्या? एप्पल बीस। अच्छा फिर जूस पिया। अच्छा पहले वैसे खाया फिर जूस पिया? जारा को भी दिया था? इन्हें जूस पिया था। जारा ने बस जूस पिया था? तो अब्दुल अहद को भी दिया था? अब्दुल अहद को नहीं दिया। क्यों?
वो अब्दुल्ला साहब दरवाजे में आ गए छलांग लगाने के लिए। बाकी जो पकड़ो भाई को, उसने गिर जाना। अब्दुल्ला जी हमारे पास भी आ गया आड़ू का जूस और काफी मजेदार बनाते हैं घर वाले। तो बुलबुले भी हैं जी इसके अंदर, तो हम भी जल्दी से इसको फिनिश करते हैं। किसार अब्दुल्ला का ठीक है, मजे क्या? नाखून भी काफी बड़े बड़े हो गए तो नाखून भी काटते हैं आज। अब्दुल्ला नेल कटर लेके आओ, नेल कटर। मामा से बोलना नेल कटर दे दे, चाचू कह रहे हैं जाओ। मैं यकीन माने चार दिनों से जब बहुत 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 ज्यादा इंसिस्ट कर रहा हूँ, बड़ी एग्जाम्पलें दे रहा हूँ, काफी मिसालें दे रहा हूँ, काफी किस्से कहानियां सुना रहा हूँ, काफी बातें सुना के मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम जब वापस चले जाए फार्म हाउस पे, बट देखिए क्या बनता है। और अब्दुल्ला साहब भी जब नेल कटर लेके आ गए, थैंक यू। क्या कहते हैं? वेलकम कहते हैं, वेलकम। बैरकैफ जी अब नाखूनों के साथ दो दो हाथ कर लेते हैं। पहले पढ़ रहे हो, किस सोचे में खोए हुए हो? गुड गुड। कोशिश करने वालों को कामयाबी मिलती है, जो कोशिश ही ना करेगा वो करेगा नहीं, जब करेगा नहीं तो कामयाबी कहाँ से मिलेगी भाई साहब। हाँ तो हमारे नाखून जाए वो काट लें, कुछ नाखून जाए वो मेरे टूट गए थे तो इसलिए वो थोड़ा टेढ़े मेढ़े हैं, बाकी बेहतरीन हो गए। और अब जाए वो पाँव वाले नाखून भी काट लेते हैं। वैसे इसके मैं काट सकता हूँ, इसके जाए वो नहीं काट सकता क्योंकि ये जो मैं ऊपर नहीं उठा सकता तो इसके मैं नहीं काट सकता। इसको उठाना जाए वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इवन जब मूवमेंट जर्सी पता नहीं होती है, एज यू नो बेचारी टूटी हुई है, तो इसलिए जब मैं उसको नहीं उठा सकता, लेकिन दूसरे पैर जब उसके नाखून काटते हैं अच्छे से, तो कोशिश करेंगे इसके भी काट लें किसी ओके होके, क्योंकि झुक के हाथ यूँ लंबा करके बट अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो सही है पहले उसका काट लेते हैं जल्दी जल्दी। तो जी ये रहा वो वाला पैर, पूंछ जो पूंछ तो थोड़ा सा रह गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी जॉब जो वो डन हो गई है, थका दिए बस इस तरह काम में। भाई यहीं पे लेटा हुआ था और काफी उदास दूस हो रहा था, तो फिर हमारे पास आ गए भाई मुनीम। भाई मुनीम अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तो अब भाई मुनीम मैं, वालेकुम सलाम, और भाई इसमें चाहे वो हम मिल बैठ के खेल रहे हैं जी पबजी गेम, खेल रहे हैं काफी मजा आ रहा है। इसके अलावा हमारे पास ऐसा कोई काम भी नहीं मिल रहा था हमें, तो फिर जब हमने भाई मुनीम को रिक्वेस्ट की कि वो हमारे पास आए और साथ साथ हम लगाएंगे गपशप, काफी सारा फन, और साथ साथ हम खेलेंगे पबजी। पबजी हमने खूब इंजॉय की है। वक्त हो गया हमारे पास 7:15 का। मुझे तो ऐसा भूख नहीं लगती, तो भाई मुनीम की मेरा हाला रूटीन काफी अच्छी होगी खाना पीना खाने की, है ना सर? तो काफी टाइम हो गया, तो बताए सर क्या आप आज हमें खिला रहे हैं? फिर जो कहते हैं खिला देते हैं आपको। वाह, तो वाकई ये बात है मुनीम भाई, जो भी रहता है। और भाई अजमत भी आ गए। अच्छा वैसे आपस की बात है, मैं भाई मुनीम से पूछ रहा हूँ क्या खिला रहे हैं, आप बताएं आपके खिला रहे हैं? कुछ भी नहीं खिला रहे, जो घर में पका है वो खिलाते हैं, खाने का मैंने कह दिया तो वो बस बन गया, थोड़ी देर में लेके आते हैं। बैरकैफ जी सारे जो है वो इस टाइम काम चोर हुए हैं, किसी का भी दिल नहीं कर रहा बाहर जाने को, तो इसलिए इन्होंने ये डिसाइड किया कि जो घर है वही खा लेते हैं। तो भाई मुनीम फिर भिंडी आपको कोई पसंद नापसंद वाला सीन तो नहीं? नहीं मैं बड़े शौक से खा लेता हूं, कोई इतराज नहीं। फिर तो बेहतरीन हो गया, तो अभी जब वो खाना का वेट करते हैं। अच्छा पबजी प्लेयर्स खाना रेडी हो गया तो ले हूं। अब खाना रेडी हो ही गया तो भाई मुनीम से पूछते हैं, सर आजे खाना? आजे आजे, कहाँ पे है? तो अभी जी खाना मंगवा लेते हैं। तो भाई मैं को रिक्वेस्ट करते हैं सर प्लीज आप हमें खाना फिर ला दें। तो मैं ले जाऊंगा तो ज्यादा इंतजार नहीं करवाना खाने को, क्योंकि ठंडा होगा तो फिर सुबह खाने का पता नहीं। देखें ये आप भी जानते हैं कि गेम खत्म होगी तो उसके बाद ही खाया जाना है, लेकिन ये कि आप ले आए ना, आप ले आए कोई बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जी बर्तन हमारे पास आना शुरू हो गए हैं। नीचे बैठेंगे कि ऊपर ही बैठ खाने? इधर ऊपर ही खा लेते हैं, कहाँ नीचे जाते रहेंगे। जैसे बाकी आप हुक्म करते हैं बताएं क्या करना है। ले आता हूँ मैं बाकी, तो जा बैठे वही खिलाता हूँ आपको। माशाल्लाह साथ में आ गई भिंडी मजेदार सी। हमने पार कर लिया इधर ना, हमारे पास काफी टाइम का पड़ा हुआ, लेकिन ये कि हम जो है वो काफी ज्यादा बिजी हो गए थे गेम के अंदर, जो गेम खेलता है ये वाली इसको पता है कि इस गेम के अंदर बहुत ज्यादा हेक्टिक टाइप है और बहुत ज्यादा वो टेंशन गेन करता है, बाकी से बंदा भूल जाता है कुछ टाइम के लिए ऐसे छोड़ दिया। मोबाइल जो है वो सारे लगा रहे हैं चार्जिंग पे, कोई असर नहीं हुआ है। सर आपकी ही बात मानी है, गेम छोड़ दिया हमने रस्ते में, ये आपने बहुत अच्छा किया, लाइट बहुत कम थी कमरे में। करते हैं जी अब खाना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चला मुझे भी जाओ उस साइड पे चलना चाहिए, क्योंकि इधर जाओ मेरा रुख इस साइड को है, भाई मनीम का रुख उस साइड को है, भाई मनीम का रुख उस साइड को है, मैं जाओ इन सब में अपोजिट साइड बन रहा हूँ, तो मैं भी चलता हूँ और जाके मेरा रुख भी इनकी तरफ हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी प्लेट तैयार हो गई, हमारे पास आ गई है और सामने बैठे हैं जी भाई मनीम और साथ में जी भाई अजमत और अब्दुल्ला साहब भी आ गए। बाबा साहब रोटी खाने आए अब्दुल्ला? उधर खाई थी रोटी? उधर कितनी खाई थी? तो इधर से कितनी खानी है?
दो दो अल्हम्दुलिल्लाह जी, खूब इंजॉय कर रहे हैं साथ साथ चल रही गपशप, तो जल्दी से जाओ खाना फिनिश कर लेते हैं हम लोग। और हमारे पास खाना मांगने वाला भी आ गया है, अलग अलग करे भाई सब। भाई पता है कौन सा? भाई मत वाला। अल्हम्दुलिल्लाह जी, खाना मैंने खा लिया, बाकी सब ने भी खा लिया, और बर्तन मांगने वाले भी आ गए, मतलब बर्तन उठाने वाले भाई भी आ गए। थैंक यू। अच्छा पता क्या है, भिंडी का सारा था बहुत मजेदार, स्पाइसी था लेकिन खुश खुश था। तो उसके साथ अगर शोरबा बना देता, कोल्ड ड्रिंक हो जाए तो बहुत मजा आए। सीधी तरह के कोल्ड ड्रिंक भी चाहिए। देखे मैं बगैर जरूरी चीज नहीं मांग रहा, साथ बर्फ भी। हमारा कहने का मकसद तो यही होता है ना, अगला अगर माने तो अगले को नसीब लगे तो दे दें, नहीं है तो फिर ठीक है, अल्लाह का शुक्र है खा ली खाना हमने। मेरा दिल बिल्कुल नहीं मान रहा, अल्लाह देखे आपका आपका दिल मान आपका दिल नहीं मान रहा, कोई बात नहीं हम कम पी लेंगे, लेकिन ले तो आए। अच्छा वो एक एडिशन साथ बर्फ भी लेते हैं ना, इरादा था कटिंग करवाने का लेकिन कटिंग तो हम नहीं करवा सके, लेकिन ये चलो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजर रहा है हमारा दिन और खूब मजा आ रहा है। सुबह से लेके भाई मुनिम के आने तक तो जब मैंने बस वैसे ही लेट लेट गुजारा, बस वो कहते हैं ना कि इसको टाइम को धक्का देने वाले साथ था। फिर उसके बाद भाई आ गए, उसके बाद हमने खूब इंजॉय किया, खूब गेम खेली, साथ गपशप लगाई, और साथ जब वो आपको पता जब सारे मिल बैठ के खेल रहे हैं, और वैसे तो मेरे से बड़े हैं लेकिन ये कि मेरे साथ काफ़ी फ्रेंडली बिहेवियर रखते हैं, जब यूँ बैठे हों तो फिर काफ़ी, जब वो आने मैंने भी बीच में चलते रहते हैं, लेकिन ये काफ़ी शुक्र लगता है। अभी इंतजार है कोल्ड ड्रिंक का, और मेरा ख्याल है हम चलते हैं अपनी इस पोजीशन के अंदर जहाँ पे बैठ के हम ऑन करते हैं गेम, और साथ में आ जाएगी कोल्ड ड्रिंक, और फिर साथ साथ बोतल पियेंगे, और साथ साथ हम इंजॉय करेंगे गेम। पता नहीं कब तक इस सिलसिला चलेगा, लेकिन जब तक चलेगा इंशाल्लाह मज़ा आने वाला है। और भाई शौकत भी हमारे पास आ गए हैं सर, वेलकम सर। और भाई शौकत आते ही जाओ अपने कमेंट्स पढ़ रहे हैं सर, सारी सी बात है, और उनके बारे में देखना तो पड़ता है हमें कि कहने मैंने क्या फरमा रहे हैं और क्या नहीं, वो देखना पड़ेगा। क्या बात है, क्या इत्तेफाक है, दो दो चीजें एक साथ, मजेदार सर। वो काफी चिल्ड में रहला है, बर्फ की जरूरत नहीं है, तो मेरी दो और दौड़ना पड़ा, एक मिनट लगना है। मैं यहाँ से दरवाजा खोलूंगा, फिर बाहर निकलूंगा, जूता पहनूंगा, जाके फ्रिज का दरवाजा खोलूंगा, फिर बर्फ निकालूंगा, फिर उसको तोड़ूंगा। आसान सोल्यूशन बताओ, मावे को यासमी को बोलो बर्फ ला दे। और भाई इज्मत के एक और दोस्त भाई विकास हमारे पास आ गए। जनाब अस्सलाम वालेकुम सर, अल्हम्दुलिल्लाह आप कैसे? बस वैसे ऐसा फील हो रहा है जैसे आप ईद मिलने आए हैं, बस ये समझ लें आपने तो तैयारी नहीं की। सीरियसली वाकई मुझे ऐसा फील आया जैसे आप ईद मिलने आए, पता नहीं क्यों। गए थे किसी फैमिली गैदरिंग पे। अच्छा इसी वजह से लेट आए। मैंने तो पहले कॉल की थी, उसने उठाई थी ना, जिससे बात नहीं करती। यहाँ पे अब शुरू हो गई डिस्कशंस काफी सारी, मैं जब बोलता हूँ ना वैसे एक मिनट खामोश हो जाते हैं सारे, कितने अच्छे हैं सारे, इत्राम करते हैं वीडियो का। बेसिकली मेरा नहीं कर रहे थे, आपका कर रहे होते हैं, आप तक बात प्रॉपर चली जाए। आपके लिए एक और न्यूज है कि बर्फ कोई भी जो है ना फ्रिज में नहीं बनी, तो आपको इसी तरह गुजारा करना पड़ेगा। जो वो टेस्ट किया वो गर्म हो गई। अंग्रेजी में बाबा जी कहते हैं कि नीता नुमरादा, क्या कि चले कोई बात नहीं, बर्फ के बगैर भी हम इंजॉय करते हैं। और वाकई भाई मुनीम ने बहुत अच्छा मशवरा दिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका मशवरा। कई दिनों में जब वो बर्फ इस्तेमाल नहीं करते हैं, इससे जब वो गला खराब हो जाता है, फिर बुखार हो जाता है, जब बुखार हो जाता है फिर जब हमारे प्लान्स कैंसिल हो जाते हैं, तो फिर ये होता है कि बहाना मिल जाता है कि जब बीमार हो गया बंदा तो अब जो हमने गाँव में नहीं जाना। तो ये है कि मैंने मुश्किल से मनाया भाई को, तो इंशाल्लाह किसे मनाया, सुबह हम निकल रहे हैं, किसे मनाया आपको सर? वो मानने वाली पार्टी है, उधर मनाना है भाई शौकत माने, भाई शौकत ने बड़ा मजे का आइडिया दिया हमें। मैं तो ड्राइवर, भाई शौकत ने बहुत मजे का आइडिया दिया है भाई शौकत माने में परसों के, ठीक है वो माने तो कोई मसला नहीं, मैं तो ड्राइवर देख लो खुश हुए ना, वो पंजाबी में कहते हैं ना हंसे तो फंसे, वो साहब देखो वो कितनी मजे की स्माइल दे रहा है, देखो बिस्मिल्लाह आधा ग्लास करके बिस्मिल्लाह पी ली दो बार पहले पार्टी का हुआ से। चले जी कोल्ड ड्रिंक जो स्टार्ट हो गई है जी, मेरा ग्लास भी इसमें थोड़ी ज्यादा डाल, और हमारा दर्द आप बेहतर समझो है कि जब बात हो जाती है वहाँ की स्टार्ट, तो फिर और जी अल्हम्दुलिल्लाह ये आ गया हमारा ड्रिंक, और अभी हम इंजॉय करते हैं ड्रिंक, बड़ा प्यारा लग रहा है वैसे ना, मैं काम भी नहीं होते ना, तो इसलिए बस टेस्ट ही करनी थी। भाई विकास ने जब पी नहीं है, नहीं भाई मुनीम आप भाई विकास को जवाब दें, क्या जवाब देना? भाई विकास कह रहे हैं कोई और इम्प्रेशन आता है इसका, क्या जवाब जो जवाब है भैया आपको मजे
और हम पहुंच गए अपनी जगह पर, साथ में जब ऑन कर ली पबजी और अब हम खेलेंगे साथ में पबजी मज़े मज़े। सभी हजरात जा चुके हैं और हम हैं अकेले रूम के अंदर। मैं पहले डेटा ट्रांसफ़र कर रहा था, उसके बाद मैं सो गया और अभी जब दोबारा से मेरी आँख खुल गई है और मैंने स्टार्ट कर दी वीडियो एडिटिंग। कद सिर्फ हमारे पास हुआ है 1:15, सॉरी 15 से ऊपर ही आ चुका तकरीबन 15-20 के सेंटर में। मावीर साहब सो चुके हैं और आसिम साहब कर रहे हैं स्टडी, क्योंकि आसिम साहब के एग्ज़ाम्स है वो काफ़ी करीब है। तो आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि जो वो ज़्यादा ज़्यादा पढ़े भी और अल्लाह ताला इसको जब अच्छे नंबर से कामयाबी भी दे, आमीन। वीडियो का काम हमारा हो गया तकरीबन 30% और नींद आना शुरू हो गई है मुझे, लेकिन यह है कि अब सोना भी नहीं है हमने। हमारे पास हो गया करीब 2:15। सोल्यूशन मेरे माइंड में एक ही आ रहा है, या तो ये कि कुछ इंटरटेन किया जाए, और इंटरटेनिंग के अंदर मेरे माइंड में आई है गेम। हम जरा गेम खेलते हैं कुछ टाइम, फिर उसके बाद दोबारा से जाओ वीडियो एडिटिंग स्टार्ट कर लेंगे, यहाँ से आगे कंटिन्यू कर लेंगे। साथ थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। मेरे आईपैड साहब जो है वो ऑफ हो गए हैं। वक्त हमारे पास 3:55 हो चुके हैं और मैं एडिशन करता चलो, ये रात का टाइम है, तहज्जुद के जाने पीछे हो रही है। एडिटिंग कर लिए दोबारा से स्टार्ट, साथ में डाल लेते हैं जी पानी। अभी होगा जी पानी और साथ में अभी एडिटिंग, सुबह के 4 ऑलमोस्ट दिन की रोशनी होना शुरू हो गई है। वक्त हमारे पास करीब 6 होने वाला है और मेरी चल रही है जी एडिटिंग, तकरीबन फाइनल होने वाली है, कुछ थोड़ा काम बाकी है। लेकिन अब इसके साथ हम आपसे चाहते हैं इजाज़त, अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, सदा खुश रहें, इंशाल्लाह मिलते हैं नई और मदद में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड और दुआ कीजिएगा कि हमारा जो काम बन जाए। अल्लाह हाफ़िज़।